बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 63 ऑफ गाइडेंस। तो इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिक प्रिंसिपल्स देखने हैं जीआईटी के फंक्शंस के, जीआईटी के मोर्टिलिटी के, न्यूरल कंट्रोल के और ब्लड सर्कुलेशन के। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले जीआईटी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो जीआईटी के फंक्शंस को इन्होंने डिफरेंट फेज के अंदर डिवाइड किया हुआ है कि जीआईटी के अंदर मोर्टिलिटी होती है जिसकी वजह से फूड एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। इसके बाद सिक्रेशन होती है, एंजाइम की सिक्रेशन और दूसरे कंपाउंड्स की सिक्रेशन जिसकी वजह से फूड की डाइजेशन होती है, डाइजेशन हो जाएगी। इसके बाद एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स की भी हो सकती है, ड्रग्स की भी हो सकती है। इसके बाद एक्सक्रीशन। तो ये छह इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो जीआईटी के होते हैं, मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद वो बताता है जनरल प्रिंसिपल जीआईटी की एनाटॉमी के। तो अगर आपने हिस्टोलॉजिकली देखा हो तो हिस्टोलॉजिकली जीआईटी के जो वाल होती है इसके अंदर चार लेयर्स होती है। सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा, देन कम सबम्यूकोसा, देन कम मस्कुलरिस। और मस्कुलरिस के अंदर आपको दो लेयर देखने को मिलती है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल और सबसे लास्ट में सिरोसा। वो वाले विसरा जो इंट्रापेरिटोनियल होते हैं वहाँ होते हैं सीरोसा, और जो रिट्रोपेरिटोनियल या सब पेरिटोनियल होते हैं तो वहाँ पर हमें एडवेंटेशिया देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको पता है कि म्यूकोसा, म्यूकोसा के अंदर मजीद तीन लेयर्स होती है। सबसे पहले आउटर मोस्ट एपिथीलियम, देन कम्स लैमिना प्रॉपर, या सबसे थिन लेयर होती है स्मूथ मसल की, उसको बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसी। इसके बाद इस पैराग्राफ में बताता है कि जो जी आई टी के स्मूथ मसल होते हैं वो सेंसेशियल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। सेंसेशियल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब अगर एक स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो फिर वो स्मूथ मसल दूसरे स्मूथ मसल के साथ अटैच होता है वाया गैप जंक्शन। मतलब अगर एक स्मूथ मसल की एक्साइटेशन होती है तो एक्साइटेशन के नतीजे में जो आइंस एक स्मूथ मसल से दूसरे स्मूथ मसल में चले जाते हैं गैप जंक्शन के थ्रू, और इस तरह से हमें ओवरऑल स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं सेंसेशियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और जीआईटी स्मूथ मसल। तो जीआईटी की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमें दो टाइप के इलेक्ट्रिकल वेव्स देखने को मिलती है जीआईटी के स्मूथ मसल के अंदर। एक होती है स्लो वेव, एक होती है स्पाइक्स। जो स्लो वेव होती है बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हार्ट के अंदर जो पेस मेकर था जो वेव्स जनरेट करता था, और स्पाइक्स बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वेंट्रिकल के अंदर एक्शन पोटेंशियल। तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो स्पाइक्स, जबकि स्लो वेव है वो असल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर अनड्यूलेटिंग चेंजेस होती है। अनड्यूलेटिंग का मतलब रिथमिकल चेंजेस होती है। अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो इस डायग्राम में आपको स्मूथ मसल के अंदर स्लो वेव नज़र आ रही होगी। स्लो वेव असल में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर क्या होती है, अनड्यूलेटिंग चेंजेस होती है, रेगुलर रिथमिक चेंजेस होती हैं। और जो स्लो वेव काज कराने वाला स्पेशलाइज सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ फजान। जिस तरह हार्ट के अंदर पेस मेकर एसे नॉट होता है, और जिस तरह मेडुला के अंदर बोल्डसन न्यूक्लियस होता है, ठीक हो गया, ठीक है। इसी तरह जो जीआईटी के अंदर होता है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल। अब इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल के अंदर रिथमिक चैनल्स की ओपनिंग हो रही होती है, मतलब जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी जब ज़्यादा होती है तो सोडियम ठीक है बाहर निकल जाता है, जब एक्टिविटी कम होती है सोडियम अंदर चला जाता है। मतलब यहाँ पर रिथमिक एक्टिविटी देखने को मिलती है स्लो वेव की। और ये जो स्लो वेव इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल प्रोड्यूस करते हैं तो ये स्लो वेव आपस में जो गैप जंक्शन के जरिए एडजेसेंट स्मूथ मसल के अंदर ट्रांसफर कर जाती है। और जब ये स्लो वेव की जो पीक होती है जब वो -40 तक पहुंच जाती है तो ये -40 थ्रेशोल्ड होता है, तो ये -40 को क्रॉस करती है तब हमें स्मूथ मसल के अंदर स्पाइक्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। और इन स्पाइक्स को बोलती है एक्शन पोटेंशियल। और आपने एक बात याद रखनी है कि जो क्या होती है ये जो स्लो वेव, इसको बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम भी कहा जाता है, और ये किसी भी हार्मोन्स या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होती, ये इंट्रेंसिक एक्टिविटी होती है, ठीक हो गया, इंट्रेंसिक। और इन्हीं का जो होती है इन्हीं की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंट पार्ट के अंदर डिफरेंट होती है। जिस तरह आपने याद रखना है कि स्टोमक के अंदर 3 होती है, ड्यूडिनम के अंदर 12 होती है, और 8 to 9 होती है टर्मिनल आईलियम के अंदर, ठीक हो गया। और असल में जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है वही इनके रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को डिटरमिन करती है। मतलब एक मिनट के अंदर 3 स्लो वेव आ रही है, ठीक है, तो वो 3 मरतबा कॉन्ट्रैक्शन होनी है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं स्पाइक पोटेंशियल, ठीक हो गया। स्पाइक पोटेंशियल एग्जाम में ये भी आया था कि जो स्लो वेव होती है वो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा सकती, बल्कि स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए एक्शन पोटेंशियल चाहिए, और एक्शन पोटेंशियल स्पाइक पोटेंशियल को कहते हैं। यानी पहले स्लो वेव होगी, स्लो वेव स्पाइक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगी, स्पाइक पोटेंशियल की डीपोलराइजेशन कैल्शियम की वजह से होती है। मतलब जो कैल्शियम सेल स्मूथ मसल के अंदर आ रहा है वो दो काम करेगा, डीपोलराइजेशन और साथ ही स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ठीक हो गया। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हम कह सकते हैं जीआईटी के स्मूथ मसल की एक्साइटेबिलिटी को बढ़ा देते हैं।
तो उनको बोलते हैं स्टिम्युलेटरी फैक्टर। और आपको पहले से पता है कि जो GIT की मोटिलिटी है वो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ा देता है और सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम कम कर देता है। तो इसके अलावा जो स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच स्ट्रेच भी मैकेनिकल आइंस को ओपन कर देता है। तो स्ट्रेच की वजह से, एसिटाइल कोलिन की वजह से, पैरासिम्पेथेटिक ड्रॉप की वजह से या स्टिमुलेशन की वजह से जो GIT के स्मूथ मसल की मोटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसका मैकेनिज्म कुछ ये है कि ये तीन मैकेनिज्म है, ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको थ्रेशोल्ड के काफ़ी करीब ले जाते हैं, मतलब मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे फैक्टर्स, या आपको डीपोलराइजेशन लिखा होगा, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड से काफ़ी दूर ले जाते हैं, मोर नेगेटिव बना देते हैं, तो वो असल में हाइपर पोलराइज बना देती है स्मूथ मसल की मेम्ब्रेन को। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है वो GIT की मोटिलिटी को कम करता है, और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम GIT की मोटिलिटी को बढ़ा देता है। तो फिर आपने इस तरह से इसको याद रखना है। इसके बाद टोनिक कॉन्ट्रैक्शन, टोनिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कंटिन्यूस पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक हो गया। कंटिन्यूस पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन का क्या क्या मैकेनिज्म है? पहला मैकेनिज्म ये है कि रिपीटेटिव स्पाइक पोटेंशियल, कि स्पाइक पोटेंशियल इतना ज़्यादा होता गया, इतना ज़्यादा होता गया कि स्पाइक पोटेंशियल आपस में एक दूसरे के ऊपर मर्ज कर गए। दूसरा ये ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स या फैक्टर्स होते हैं जो स्मूथ मसल की पार्शियल डीपोलराइजेशन काज करवा देते हैं, लेकिन एक्शन पोटेंशियल काज नहीं करवाते। एक्शन पोटेंशियल के अंदर डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन दोनों देखने को मिलती है, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको रीपोलराइज की तरफ लेके जाते ही नहीं है, डीपोलराइज स्टेट के अंदर ही स्ट्रक कर देते हैं। यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल तो कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ तीसरा मैकेनिज्म होता है टोनिक कॉन्ट्रैक्शन का, वह स्मूथ मसल की, सॉरी, कैल्शियम आयन की कंटिन्यूस एंट्री होना। तो तीन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म टोनिक कॉन्ट्रैक्शन के कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं मायंटेरिक प्लेक्सस और मीजनल प्लेक्सस। जो मायंटेरिक प्लेक्सस और इसके साथ हम कह सकते हैं सब म्यूकोजल प्लेक्सस, इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है? तो जो मायंटेरिक प्लेक्सस, इसका दूसरा नाम होता है हम कह सकते हैं और बैक प्लेक्सस, और सब म्यूकोजल प्लेक्सस का दूसरा नाम होता है मीजनल प्लेक्सस। अब इनके इंपॉर्टेंट डिफरेंस को नोट कर लेते हैं। इनके डिफरेंस को मैंने इस सेपरेट वीडियो से भी कवर किया, लेकिन आपको ये बता दूं कि जो मायंटेरिक प्लेक्सस होता है इसकी एनाटॉमिकल साइट क्या हो, कहाँ पे होती है? ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर पड़ा हुआ होता है, लॉन्गिट्यूडिनल और इनर सर्कुलर लेयर के दरमियान, जबकि सब म्यूकोजल प्लेक्सस या मीजनल प्लेक्सस पड़ा हुआ होता है सब म्यूकोजा के अंदर। इसने कंट्रोल करना है सिक्रेशन को, और मायंटेरिक प्लेक्सस ने कंट्रोल करना है मोटिलिटी को। चूंकि मोटिलिटी को कंट्रोल करना है तो मायंटेरिक प्लेक्सस के अंदर आपको ज़्यादा न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू सब म्यूकोजल प्लेक्सस, ठीक हो गया। अब कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर एंटेरिक नर्वस सिस्टम रिलीज करता है, तो आपने इनको एक नज़र आप देख सकते हो कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। तो नोरएपिनेफ्रिन, ATP, सेरोटोनिन, डोपामिन। नेक्स्ट चलते हैं ऑटोनॉमिक कंट्रोल के अंदर हमें दो चीज़ें देखने को मिलेगी, सिंपथैटिक और पैरासिम्पथैटिक। हमने कहा था कि पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम जो क्या करता था, इंटरेक्ट नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, क्योंकि GIT का एक अपना सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं इंटरेक्ट नर्वस सिस्टम, जो कंट्रोल करता है GIT की मोटिलिटी को, GIT के सिक्रेशन को, GIT के फंक्शंस को। तो जो इंटरेक्ट नर्वस सिस्टम है इसको हम कह सकते हैं थर्ड पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या लिटरल ब्रेन। यानी अगर आप पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक स्टिमुलेशन निकाल भी देता भी डायरेक्ट नर्वस सिस्टम अपना काम करता रहेगा, लेकिन पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी इंटरेक्ट नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जनरली एक्टिविटी को बढ़ा देता है और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जनरली एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। इसके बाद हम चले थे GIT के रिफ्लेक्सेस की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लेक्सेस, कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो गट के अंदर इंटीग्रेट होती है, मतलब एंटेरिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। यहाँ पे कोई पैरासिम्पथेटिक सिंपथेटिक स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर पेरिस्टाल्सिस, मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन, लोकल इनहिबिटरी इफेक्ट। इसके बाद कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जिनके लिए सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की जरूरत पड़ती है, और ये रिफ्लेक्सेस इनहिबिटरी हो गए, क्योंकि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन होता है इनहिबिशन प्रोवाइड करना। तो पहला है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का मतलब स्टोमक से स्टार्ट होने के बाद कोलन पे आके खत्म हो गया। तो ये जब होता है, जब स्टोमक की काफ़ी ज़्यादा फीलिंग हो जाती है, तो वो कोलन को स्टिमुलेट करवाता है कि कोलन की एम्प्टाइंग हो जाए, ठीक हो गया, कोलन के अंदर मजीद स्टोर ना हो। इसके बाद है एंटीरो गैस्ट्रिक। एंटीरो का मतलब स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, गैस्ट्रिक का मतलब स्टोमक। तो यहाँ पे कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन के सिग्नल्स जाते हैं जब इनकी फीलिंग ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्टोमक की मोटिलिटी कम हो जाती है, स्टोमक की सिक्रेशन भी कम हो जाती है। और तीसरा कोलोनो आइलियल। कोलोन से स्टार्ट होने के बाद आइलियम में खत्म हो जाना, चूंकि आइलियम के कंटेंट कोलोन के अंदर खत्म होते हैं, तो फिर कोलोन एक रिफ्लेक्स भेजता है आइलियम के पास। जब कोलोन की पहले से फीलिंग होती है तो वो आइलियम को ये बोलता है कि आपने मजीद एम्प्टाइंग नहीं करानी, ठीक हो गया, मोटिलिटी को इनहिबिट कर देता है। जबकि कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो ब्रेन स्टेम के अंदर जाते हैं, और स्पेसिफिकली वो वेगस नर्व के अंदर कंट्रोल में होते हैं। जो पहला है वो है
स्टोमक एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, ठीक हो गया, या विगो वेगर रिफ्लेक्स। जब स्टोमक के अंदर फूड आते हैं तो फिर स्टोमक के अंदर फूड को एकोमोडेट कराने के लिए जो रिफ्लेक्स चलेगा उसको बोलेंगे विगो वेगर रिफ्लेक्स। और कभी कभार जीआईटी के पार्ट की इरिटेशन होती है, पेन होता है, तो पेन की वजह से जो तमाम जीआईटी की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है। और लास्ट है डेफिकेशन रिफ्लेक्स, जिसको हम कह सकते हैं ये भी डेफिकेशन रिफ्लेक्स, ये भी कंट्रोल में होता है वेगस नर्व के, ठीक हो गया, पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन के, जबकि सिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन इसको इनहिबिट करती है। अगर हम आगे चलते हैं तो फिर हमें बाकी जो कुछ चीज़ें हैं इस चैप्टर की वो हम पहले से सेपरेट वीडियो से कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लेना, ठीक हो गया। तो ये था बेसिक ओवरव्यू इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 63 का, ठीक हो गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और चैनल बनाई हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।